प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ाई में देशवासियों के जज्बे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस लड़ाई में लोग बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज कोविड-19 की उच्च प्रभाव क्षमता वाली जांच प्रयोगशालाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों को चेताया कि आने वाले दिनों में कई त्यौहार नजदीक हैं, इसलिए सावधानी को बढ़ाना होगा। देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। साथियों, आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक समय पर पहुंचे, हमें यह भी सुनिश्चित करना है। साथियों, हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, दो गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है।